स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर, योर फ्रेंड राहुल शर्मा। आज बिल्कुल नई वीडियो के साथ बेटा मैं आपके बीच में हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक ऑफ क्लास सेवन्थ। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें हम सीखेंगे कि फाइबर यानी कि धागा, फाइबर से फैब्रिक यानी कि कपड़े, हाउ टू मेक फाइबर एंड हाउ टू कन्वर्ट फाइबर इंटू फैब्रिक, फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म भी पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस सिल्क भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर इस चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना है। बेटा फर्स्ट चैप्टर आपने भी अपनी जो बुक है सेवन्थ क्लास की ले लेनी है, उसके बीच में से मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा फाइबर टू फैब्रिक। बेटा हमने सिक्स्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ा था फाइबर्स के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। जो एनिमल फाइबर है बेटा वो हमें वो है जैसे सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, वूल इज़ एन एनिमल फाइबर। जो प्लांट से हमें फाइबर मिलते हैं बेटा जैसे कॉटन एंड जूट, प्लांट्स फाइबर हमें पता है, कॉटन एंड जूट जो हमें फील्ड्स के अंदर मिलते हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंदर मेनली हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वूल एंड सिल्क के बारे में। तो फर्स्टली हम करने जा रहे हैं बेटा वूल यानी कि ऊन। वूल हमें अलग अलग बेटा एनिमल्स से मिलती है, जैसे गोट, शीप, कैमल, अल्पाका, याक, इनसे हमें वूल मिलती है। तो मेनली जो इंडिया के अंदर वूल है या वर्ल्ड के अंदर जो मेनली वूल है वो हमें शीप से मिलती है बेटा। अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग तरह की शीप्स होती हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन शीप्स को हियर किया जाता है बेटा, उनको पाला जाता है और उनसे हम वूल लेते हैं। बेटा जो फाइन क्वालिटी की वूल है वो स्पेशल टाइप की जो शीप्स हैं उनसे हमें मिलती है। तो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऐसी जो शीप बेटा बर्थ करवाया जाता है जिनसे हमें बेस्ट क्वालिटी की वूल मिल सके। इस प्रोसेस को जिसके अंदर हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, जिसके अंदर हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया एक स्पेशल टाइप की जो शीप है उसको ब्रीड करवाने के लिए, ताकि हमें फाइन क्वालिटी की जो वूल है वो मिल सके। बेटा जैसे कि आपको आप चैप्टर में भी देखेंगे कि अंगोरा वूल एक गोट है बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे मिलती है, बहुत ही ज़्यादा वॉर्म होती है अंगोरा वूल। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत स्पेशल टाइप की शॉल्स हमें मिलती हैं, हिमाचल में भी मिलती हैं, वहाँ पे वो जो शॉल्स बनती हैं वहाँ स्पेशल टाइप की शीप से बनती हैं, उसको कहते हैं बेटा पश्मीना शॉल्स, बहुत बढ़िया शॉल्स होती हैं। इसी तरह आप देख पा रहे हैं के कैमल्स हैं, याक्स हैं, ललामा और अल्पाका साउथ अफ्रीका के अंदर हमें मिलते हैं, इनसे भी जो वूल से, इनकी वूल से जो है बेटा हम फाइबर बना सकते हैं, वूलन फाइबर्स। तो आगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से हमने वूल कैसे ली, उन सबसे पहले क्या है फाइबर है क्या, फ्लीस, हेयरी जो ऊपर स्किन है, हेयर्स हैं, चाहे वो गोट से हैं, चाहे शीप से हैं, चाहे कैमल से हैं, चाहे याक से हैं, उन हेयर्स को फ्लीस कहा जाता है। उनकी रियरिंग की जाती है, रियरिंग है बेटा, उनको फूड दिया जाता है, हाइजीनिक कंडीशंस दी जाती हैं, प्रॉपर उनको एकोमोडेशन दी जाती है जिनसे हमने वूल को प्राप्त करना है। एक आप टेबल देख पा रहे हैं नीचे, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स, जैसे लोही है बेटा, लोही, रामपुर, नल्ली, भाखरवाल, मारवाड़ी और पठानवाड़ी। बेटा ये अलग अलग तरह की वूल्स हैं, ये आपने लर्न कर लेनी है कौन सी गुड क्वालिटी की है, कौन सी होजरी के लिए यूज़ होती है, कौन सी जो वूल है जिस कौन सी स्टेट के अंदर ये शीप्स मिलती हैं जिनसे ये वूल हमें मिलती हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। हमने ये तो पढ़ लिया कि उनकी रीरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है वूल लेने के लिए शीप्स को अलग अलग तरह की, तो उनसे वो शीप कैसे ली जाती है बेटा, अलग अलग स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे स्टेप्स को आपने लाइन वाइज लर्न कर लेना है। बेटा सबसे पहला जो स्टेप है वो है शीयरिंग। जो शीप्स है शीयरिंग होता है उनकी जो हेयरी स्किन है विद
बहुत थिन लेयर होती है उनकी स्किन की और ऊपर हेयर्स, उसको उतार लिया जाता है। जैसे आप बार्बर्स के पास देखते हैं एक मशीन होती है बेटा जिससे हेयर्स को कट किया जाता है, वैसी एक मशीन्स होती है, उसके साथ जो शीप्स हैं उनकी जो थिन लेयर ऑफ स्किन है और फ्लीस यानी कि हेयर्स है उनको कट कर लिया जाता है बेटा, इसको शीयरिंग कहते हैं। इससे जो शीप्स है या गोट्स है उनको कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं ये डेड स्किन होती है बेटा, एक तरह के डेड सेल्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती। इनको कट करते हैं तो हमें कोई हार्म नहीं होता, इसको कहते हैं शीरिंग यानी कि कट करना। किसको कट कर लिया हमने? उनके हेयर्स को। नेक्स्ट स्टेप है बेटा स्कोरिंग, क्योंकि हमने उनके हेयर्स को कट कर लिया है, उस उन हेयर्स के अंदर डर्ट भी है, उनके अंदर ग्रीस भी है, ऑयल्स भी हैं, तो वो सारी डर्ट को, ग्रीस को या जितना भी उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल है उसको अलग करना, उस सारी जो हमने हेयर्स को अलग किया है उनको साफ करना यानी कि वॉशिंग। वॉशिंग ऑफ दी हेयर्स, वॉशिंग ऑफ दी फ्लीस इज नोन एज स्कोरिंग, यानी कि उसको सेकेंड स्टेप में हमने वॉश कर लिया। स्कोरिंग के बाद है बेटा सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमने क्या किया थर्ड स्टेप के अंदर? सॉर्टिंग यानी कि हमने सॉर्ट करना है, क्योंकि हमने उस वूल को निकाल लिया, उसके अंदर बड़े फाइबर्स भी हैं, उसके अंदर छोटे फाइबर्स भी हैं, उनके अंदर कलर का भी डिफरेंस होता है। आप देखेंगे एक ही शिप के अंदर जो हेयर्स हैं उनका जो टेक्सचर भी अलग होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉर्टिंग, यानी कि हमने उनको जिसको निकाला है, सॉर्ट किया है, उसके अंदर से हमने जो हमने वूल को स्कोरिंग किया था, वॉश किया था, उसके अंदर से अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी की जो वूल्स हैं उनको अब हमने डिफरेंट कर लिया यानी कि सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है बेटा, उस जो हमने फाइबर ले लिया उसके ऊपर कुछ बर होता है बेटा, जैसा आप देखेंगे आपके भी जो वूलन्स क्लोथ होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लफी से फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो होता है बर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि बर को अलग कर लिया जाता है जो हमने सॉर्टिंग कर ली थी, उसके अंदर से जो फ्लीस थे, हेयर थे, अलग अलग थे, उसके अंदर से अब हमने बर को अलग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है बेटा डाइंग, क्योंकि डाइंग का मतलब उसको डाई करना अलग अलग कलर्स में, क्योंकि जो शीप से या याक से, कैमल से हमें वूल मिलती है मेनली वो बेटा थ्री कलर्स की होती है, ब्राउन होती है या वाइट होती है बेटा या डार्क ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। उसमें से हमें जो यार्न चाहिए वो अलग अलग कलर्स की चाहिए, तो हम उसको डाई करेंगे हमारे कलर्स जो हमें चाहिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस हो गया बेटा डाइंग। डाइंग करने के बाद उसको सोट बेटा उसको कोम्ब्ड किया जाता है यानी कि उसको सीधा किया जाता है डाइंग करने के बाद, जितना फाइबर है उसको बिल्कुल लंबे लंबे उसके धागे बना लिए जाते हैं यानी कि उसको कोम्ब कर लिया जाता है। कोम्ब करने के बाद बेटा वो मशीन्स के अंदर जाता है, लूम्स के अंदर जाता है और उससे उसको स्पन कर लिया जाता है। हमारी जो लंबे फाइबर्स हैं बेटा उनको स्पन कर लिया जाता है, स्पन जो हमें मार्केट के अंदर धागे दिखते हैं वूलन, वो स्पन किए होते हैं, उनसे हमारी स्वेटर्स बनती हैं, और जो हमें वूलन क्लोथ्स मिलते हैं बेटा उनको वो वूव किए होते हैं यानी कि वूवन किए जाते हैं छोटे फाइबर्स के साथ वूलन क्लोथ्स। तो हमारा जो ये पार्ट है बेटा, आप इन पिक्चर्स में भी मेरे साथ आपने देखा कि शीरिंग की, उनके जो हेयर्स थे उनको कट किया, उसके बाद उसको स्कोरिंग किया यानी कि वॉश किया जा रहा, आप देख रहे हैं स्कोरिंग मशीन्स में भी होती है, उसके बाद उनको कट करने के बाद डाई भी किया, उनसे बर भी उतारा, उनकी सॉर्टिंग भी की है, तो लास्ट जो प्रोसेस है हमें उनसे क्या मिल गया, हमें उनसे यान मिल चुकी है यानी कि कंप्लीट उसके धागे मिल चुके हैं, हम उसको स्पन भी कर सकते हैं, वूवन भी कर सकते हैं। बेटा हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी हैं बेटा, जो सोटर्स यानी कि जो वहाँ पे सोटिंग करते हैं यहाँ उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ वूलन का काम होता है बेटा, उनको कुछ डिजीज़ लग जाती हैं, इनको ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड कहते हैं। एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है एंथ्रेक्स, ये आम ही जो बेटा सोटर्स होते हैं, सोटर डिजीज़ भी कहते हैं उनको, ये डिजीज़ आम ही लग जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना हार्मफुल है, कितना ख़तरनाक है बेटा इस तरह से जो वूल है उसको सोटिंग करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह के मेथड्स आ गए हैं बेटा, जिसके साथ काफ़ी हद तक जो सॉर्टर डिजीज़ है उस पर काबू पा लिया गया है। बेटा
अब हम इस चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, सिल्क के लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ भी करेंगे, सिल्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपके सारे जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क को कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके कौन सी लाइफ हिस्ट्रीज है। आमतौर पे बच्चे ये कहते हैं, उनको थोड़ा सा ये पार्ट टफ लगता है। बेटा इस वीडियो को सुनने के बाद 100% मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाएंगे। चाइना के अंदर बेटा इसकी माना जाता है डिस्कवरी हुई, वहाँ के किंग थे ह्यूंग टी, उन्होंने बेटा अपनी जो रानी थी उनको उनके गार्डन में मलबरी यानी कि शहतूत का बेटा एक गार्डन था पूरा। शहतूत छोटे छोटे होते हैं बेटा, मीठे बड़े होते हैं, उसका गार्डन था पूरा। तो उनको किंग को ऐसे लग रहा था कि जो उनका गार्डन है वो थोड़ा डैमेज हो रहा है, उसके जो पत्ते हैं वो थोड़े उनको लग रहा था कि ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने अपनी रानी को कहा कि उस गार्डन को आप जाके देखो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कितनी कि उसके अंदर डैमेज हो रही है, क्यों हो रही है। जब उनकी रानी ने बेटा वहाँ पर जाके देखा तो उनको वहाँ छोटे छोटे शहतूत के पत्तों पर यानी कि मलबरी लीव्स पे छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े दिखाई दिए। उन्होंने बेटा जब ध्यान से देखा, बाय चांस ही ऐसा हुआ कि उनके ऊपर कोई थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर थी वो उनकी टी के अंदर आके गिर गया। बेटा कोकून होता है, वो उनकी टी के अंदर आके गिर गया। वो क्या हो गया, वो कोकून जो फाइबर था वो टी के अंदर गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा फैल गया, यानी कि थोड़े थोड़े उसके फाइबर्स बनने शुरू हो गए। ये माना जाता है कि चाइना ने बहुत सालों तक इसको सीक्रेट रखा, बहुत सीक्रेट फाइबर रखा। जिस रूट से बेटा ये चलता था, जो सिल्क है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को ये बेचा जाता था, उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। तो आपने बेटा सिल्क की जो साड़ीज आम ही देखी होंगी, लेडीज़ ने पहनी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी लस्चरस होती हैं। तो सिल्क कैसे बनती है, अब हम करने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। बेटा जो सिल्क को पाला जाता है या सिल्क बनाया जाता है जिस प्रोसेस से, सॉरी मोथ को पाला जाता है जिस प्रोसेस से, और सिल्क वॉर्म्स को पाल के सिल्क बनाया जाता है, इस सारे प्रोसेस को बेटा सेरीकल्चर कहते हैं। और दूसरा इसका नाम मोरीकल्चर भी है, क्योंकि मलबरी लीव्स पे मिलता है इसलिए इसको मोरीकल्चर भी कहते हैं, सेरीकल्चर भी कहते हैं इसको पालना सिल्क वॉर्म्स को और उनसे सिल्क को प्राप्त करना। बेटा इसके अंदर सबसे पहले जो लाइफ हिस्ट्री होती है, मेरे साथ आप देख भी पा रहे हैं पिक्चर्स को, तो सबसे पहले है बेटा सिल्क मोथ, यानी कि बटरफ्लाई की तरह सिल्क मोथ होता है, एक आप मान लो इंसेक्ट टाइप है। तो सिल्क मोथ हंड्रेड्स ऑफ, जो फीमेल सिल्क मोथ है हंड्रेड्स ऑफ एग ले करता है मलबरी लीव्स के ऊपर। जो बेटा एग है वहाँ उनको कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, वो एग से लार्वा यानी कि कैटरपिलर बनता है। बेटा कैटरपिलर एक वॉर्म टाइप होता है, एक कीड़ा होता है ऐसे लंबा, कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर क्या करता है बेटा, जो कैटरपिलर मलबरी लीव्स को ईट करता रहता है, और बहुत ज़्यादा आप मान के चलो क्वांटिटी के अंदर ईट करता है। ईट करने के बाद जब उसको खाता रहता है 25 to 30 डेज के आफ्टर, वो क्या करता है, खाता रहता है उसके बाद उसके कुछ प्रोटीन्स को वो सीक्रेट करता है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स को लार टाइप प्रोटीन्स को अपने माउथ में से निकालता है। उन प्रोटीन्स को जब वो निकालता है तो वो इस तरह से मूवमेंट करता है जैसे एट की तरह, वो मूवमेंट ऐसे करता रहता है बेटा। उस इस तरह से मूवमेंट करने के कारण जिस प्रोटीन को वो निकालता है, जब वो सनलाइट के अंदर आता है या हीट का एक्सपोजर उसको मिलता है या स्टीम मिलती है, वो फाइबर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो प्रोटीन, और वो प्रोटीन उसकी बॉडी के चारों तरफ घूम जाता है। बेटा इस स्टेज को कहते हैं कोकून। सबसे पहले मोथ था, फीमेल मोथ्स ने एग ले किए, एग ले के बाद क्या बना, एग्स का लार्वा बन गया, यानी कि उनसे एक छोटा सा कीड़ा बन गया कैटरपिलर। कैटरपिलर ने बेटा क्या किया, एट की तरह घूमता रहा, उसके चारों तरफ एक फाइबर बन गया जिसको कोकून कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कीड़े को मार के सिल्क बनाया जाता है, नहीं बेटा, जो कैटरपिलर है उसके चारों तरफ जो प्रोटीन उसने सीक्रेट किया वो कोकून बन गया, उसको कोकून कहते हैं जब वो फाइबर उसके चारों तरफ बन जाता है। और उस कोकून को बेटा निकाल लिया जाता है, उस कोकून के अंदर ही अंदर मोथ डेवलप होता रहता है, यानी कि रेशम का कीड़ा दोबारा डेवलप होता रहता है बेटा, उसको निकाल लिया जाता है। जैसे वूल कई टाइप्स की होती हैं बेटा,
उसी तरह सिल्क के जो वॉर्म्स हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। मलबरी लीव्स पे जो सिल्क वॉर्म की जाती है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिल्क जो हमें मिलता है मलबरी लीव्स के ऊपर ही होता है, और वही उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी मानी गई है बेटा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो सिल्क है वो इतना ज़्यादा बेटा स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, जितना कि स्टील देखने में वो बिल्कुल ऐसे लगता है कमज़ोर फाइबर, पर उसके बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, स्टील की तरह बेटा स्ट्रेंथ होती है। और उसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है, आप उसको फोल्ड करके बिल्कुल उसको ब्रीक बना सकते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क भी बेटा मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे रेयोन, रेयोन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, वो भी मार्केट के अंदर मिलता है। हमें डिफरेंस कैसे होगा, अगर हम दोनों फाइबर्स को बर्न करते हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क है बेटा जलने के बाद वो प्लास्टिक जैसी स्मेल देगा, और जो ओरिजिनल सिल्क है वो प्लास्टिक की तरह स्मेल नहीं देगा। ओरिजिनल सिल्क की बेटा प्रॉपर ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो प्लास्टिक की तरह बेटा इकट्ठा हो जाएगा। और जब हमने कोकून को बना लिया, ले लिया, वो कोकून को इकट्ठा करने के बाद जब उसके साथ यान बनाई जाती है बेटा, उसको सीधा किया जाता है कोकून को, इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी कि कोकून से सिल्क प्राप्त करना। बेटा पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर इस पूरे चैप्टर को देख लेना बेटा।